Welcome to StudyIQ. I'm Amit Varidhi Kilor. 10 October 2021 ko UPSC Prelims 2021. Now Prelims every year is a momentous occasion for the people who are preparing for the exam. वहाँ पे आप पूरे अपने जो एक साल की मेहनत है, वो दो घंटे में पूरी की पूरी टेस्ट की जाती है. And no matter what we do, UPSC always springs some kind of surprise for us. So the same thing happened this year also. आप लोगों को स्टार्टिंग में ही मैं पहले कहना चाहता हूं कि आप लोग जिन्होंने भी मेहनत से टेस्ट सीरीज प्रिपेयर करके दिया था, टेस्ट सीरीज की अटेम्प्ट लगाई थी, अच्छी तरह से पिछले 3 से 4 महीने समय दिया था, बिलीव मी, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर यू आर थिंकिंग, द रिजल्ट्स शैल बी पॉजिटिव. अगर एग्जाम डिफिकल्ट आता है तो कट ऑफ काफी नीचे हो जाती है. कभी कभी 110 कट ऑफ जाती थी, वो लास्ट ईयर सिर्फ 92 आई थी. सो इस समय अभी इमीडिएट जजमेंट मत लेना कि एग्जाम कैसा था. बट येस, देर वॉज सर्टन सरप्राइजेस. यूपीएससी पिछले कई 4-5 सालों से हिस्ट्री के ऊपर कुछ खास फोकस नहीं करता था. मोर देन 15-20 क्वेश्चंस वर फ्रॉम द हिस्ट्री. लकीली इनफ वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं थे. हर साल की तरह पिछले जो 2-3 साल का पैटर्न था, एग्रीकल्चरल एनवायरनमेंट के ऊपर इस साल भी यूपीएससी का फोकस रहा है. पॉलिटी में उनका थोड़ा सा क्या नाम है, क्वेश्चन पेपर के अंदर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल ज्यादा रहा है. वेल नेवर द लेस, व्हाट द स्पेक्यूलेशंस अबाउट द कट ऑफ होने में अभी थोड़ा समय है. उससे पहले हमें आपको आंसर्स बताने हैं कि बेसिकली क्वेश्चन पेपर में आपको एक बार मार्क्स लगा लें, आप उसकी की को लगा के आप खुद गेज कर सकें कि आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं. मैं आपके सामने इस समय साइंस एंड टेक और जो बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड द बेसिक साइंस के जो क्वेश्चन हैं वो आपके सामने डिस्कस करूंगा. मैं आपके सामने सेट सी, कौन सा सेट सी डिस्कस करने वाला हूं. तो अगर आपको किसी को क्वेश्चन लगाना है, अगर आपके पास सेट सी है अपने, अगर बाकी दूसरे वाले सेट है तो उसमें से वो क्वेश्चन आइडेंटिफाई करके आप उसकी की को चेक करेंगे. आई विल बी डिस्कसिंग अप्रॉक्सिमेटली 20-25 क्वेश्चंस जो कि पर्टेनिंग टू सेट सी के हैं. जैसे अगर मैं आप क्वेश्चन नंबर में मार्क देखेंगे तो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 21 है, तो बेसिकली ये सेट सी में क्वेश्चन नंबर 21 है. और हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जो बेसिक साइंस के क्वेश्चन हैं, कुछ उसमें से एनवायरमेंट से भी ऊपर नीचे एसोसिएटेड होते हैं जो बेसिक एनसीईआरटी से आते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आपके सामने अभी अंकित सर लेकर आ रहे हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन कपिल सिक्का सर लेकर आ रहे हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस और दूसरे ऑल ऑफ द क्वेश्चंस हम आपके सामने अभी भी इसकी पूरी की पूरी की लेकर आ रहे हैं. विदाउट मच अडो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द क्वेश्चंस. एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट, बट साइंस एंड टेक में कॉन्सेप्चुअल से ज्यादा थोड़े से सामने, मतलब इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे. यू हैड द इंफॉर्मेशन, यू कुड हैव इजीली अटेम्प्टेड इट. बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश नहीं की गई थी एज फार एज दी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज कंसर्न. अब हम क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 21 से इज, वाटर कैन डिसॉल्व मोर सब्सटेंसेस देन एनी अदर लिक्विड. वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है. किसी भी सब्सटेंस को अगर पानी के अंदर डालो तो कुछ ना कुछ उसके अंदर सॉल्यूबल हो ही जाता है. वेल द रीजन स्पेसिफिकली, ये बहुत ही बेसिक अपना 8th या 9th क्लास की साइंस का ये आंसर है. इसका मतलब होता है इट इज ए डाइपोलर इन नेचर. हमारा जो वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है जिसमें H2O यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के एटम होते हैं, वो डाइपोलर होते हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ किसी न किसी प्रकार का, चाहे वीक हो या स्ट्रांग हो, बॉन्ड बना ही लेते हैं. इसका मतलब यह है कि ऑलमोस्ट यूनिवर्सली हर प्रोडक्ट को अगर पानी के अंदर डाला जाए तो किसी न किसी मात्रा में वो घुल ही जाता है. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर नंबर है ए, याद रखिएगा. फॉर द पीपल हु आर इन हरी, मैं आपके लिए जो आंसर की है वो मैं आपके सामने इस समय स्क्रीन पर रख रहा हूँ. लेकिन अब हम इस क्वेश्चन पेपर को एक एक करके देख सकते हैं. इफ़ यू आर एक्चुअली इन हरी और जल्दी से क्वेश्चन पेपर चेक करना चाहते हो तो सेट सी के जो क्वेश्चन नंबर हैं आपके सामने 21-23 और उनके जो ऑप्शंस, द करेक्ट ऑप्शंस हैज बीन गिवन इन फ्रंट ऑफ यू. ये साइंस एंड टेक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस है. कुछ एनवायरनमेंट ओवरलैप करते रहेंगे, ज्योग्राफी के एनवायरनमेंट से ओवरलैप करते हैं, हिस्ट्री के पॉलिटी से कर जाते हैं, तो उसके बारे में कोई कंफ्यूजन या टेंशन मत रखना. लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 सेज, द टर्म ACE2 इज टॉक्ड अबाउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ. अब जैसे आप इसमें से आंसर की से देख सकते हैं कि 23 का आंसर डी है, तो यहां पर पता चलेगा कि बेसिकली स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीज.
अब पिछले एक साल से कोरोना वायरस का इश्यू चल रहा था, तो जो ये क्वेश्चन ACE2 है, ये टर्म हमारे न्यूज़पेपर्स में कई बार मेंशन हुआ था। इट इज डिफिकल्ट टू पिक अप, लेकिन अगर एक जजमेंट कॉल लेना था या फिर एक गेस्टिमेट करना था तो ऑटोमेटिकली वायरल डिजीज के ऊपर जाने की थोड़ी सी कोशिश हो सकती थी, संभावना हो सकती थी, दो इट वुड नॉट हैव बीन इजियर अगर आपने इसको कभी सुना नहीं है। ACE2 का जो टर्म है वो वायरल डिजीज के स्प्रेड के कॉन्टेक्स्ट में, कोरोना वायरस के कॉन्टेक्स्ट में पिछले पूरे साल अखबार में कई बार मेंशन हुआ था। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस पर, 24, 25 एंड 26। यहां पे भी एग्जैक्टली सेम पैटर्न फॉलो किया गया है, एक टर्म दिया गया है एंड देन दे हैव स्पेसिफिकली आस्क्ड रिलेटेड सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट, देन बिस्फेनोल, ट्राइक्लोसान, उसी प्रकार से दूसरे वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। चलिए 24th पर आते हैं, बिस्फेनोल ए विच इज अ कॉज ऑफ कंसर्न एंड इट इज बीइंग आस्क्ड, इट्स अ स्ट्रक्चरल की कॉम्पोनेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ व्हाट काइंड ऑफ प्लास्टिक्स। अगेन देयर इज नो कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व्ड हियर, दिस इज अ ट्रैक इंफॉर्मेशन नॉलेज होनी चाहिए। जो ये बिस्फेनॉल ए होता है ये बेसिकली पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बनाने में यूज होता है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है, अगर आपने पढ़ा है तो ही आप जान सकते हो। साइंस के बैकग्राउंड, केमिस्ट्री के, जिनको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट रहा हो, 11 12th में PCM हो, उनको थोड़ी सी आसानी रही होगी, या PCB वालों को आसानी रही होगी। नॉन साइंस बैकग्राउंड को डेफिनेटली दिस क्वेश्चन विल स्टम्प एंड प्रोबेबली उन्होंने छोड़ा हो तो बेहतर होगा। ट्रिक्लोसान, ट्रिक्लोसान इज कंसिडर्ड हार्मफुल व्हेन एक्सपोज टू हाई लेवल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, इज मोस्ट लाइकली प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। यूपीएससी का बिल्कुल स्टैंडर्ड हमेशा से तरीका रहा है कि जो डे टू डे हमारे आजू बाजू चारों तरफ जो चीजें रहती हैं उनसे एसोसिएटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस, कभी ब्लूटूथ से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, कभी LED से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, कभी TV से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। अब यहां पे ट्रिक्लोसान बेसिकली टॉयलेट, इट्स एन एंटीबैक्टीरियल। हमने कभी कभी हमारे जो साबुन होते हैं या फिर जो शैम्पू होते हैं, हमने देखा होगा कि वो एंटीबैक्टीरियल साबुन होते हैं, डिटॉल टाइप के जो साबुन होते हैं। तो यहां पर जो आंसर है, ट्रिक्लोसान टॉयलेटरीज में, यानी कि साबुन के अंदर, शैम्पू के अंदर, क्रीम के अंदर जो होता है उनके अंदर पाया जाता है ट्रिक्लोसान। अगेन इट्स एन इन्फॉर्मेशन विच इज लाइक नॉट वेरी बुकिश नॉलेज नहीं है। द यूपीएससी वॉन्ट्स कि यू नीड टू अंडरस्टैंड, हैव एन ओपन माइंड व्हेनेवर यू सी समथिंग, आपको ऑटोमेटिकली पता होना चाहिए। एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि जो हम च्युइंगम खाते हैं, शुगर फ्री जो च्युइंगम्स होते हैं, उसके अंदर कौन सा कंपोनेंट होता है, समथिंग लाइक दैट। ऐसे क्वेश्चंस, यानी कि जो डे टू डे से आते हैं, इनको करना काफी मुश्किल होता है। व्हाई? क्योंकि यू नीड टू रियली बी क्रिएटिव एंड क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड यू। चलिए कोई बात नहीं, ये दिस इज आई बिलीव वॉज एन ईजी क्वेश्चन। नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन व्हाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। हम जब भी मेंशन करते हैं कि कौन सी गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमसे कितनी दूर है, सो इट इज लाइक 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अस, यानी कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी से लेकर हमारे यहां तक, प्लैनेट अर्थ तक, लाइट को आने में 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स लगते हैं। बट द क्वेश्चन दे आस्क इज दैट कि एस्ट्रोनॉमिकल जो चीजें होती हैं उनको लाइट में ही क्यों काउंट करते हैं, व्हाई दिस यूनिट इज यूज्ड एज लाइट ईयर्स। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम। नाउ दैट इज अ वेरी बेसिक साइंस, ठीक है, 9th, 10th, 11th, 12th की किसी भी साइंस की किताब में सबसे पहले, सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो आपको लाइट के बारे में बताई जाती है, दैट इज कि द स्पीड ऑफ लाइट इज कॉन्स्टेंट अक्रॉस द होल यूनिवर्स। अगर इसमें आपको प्रॉब्लम आई थी, सो यू एक्चुअली नीड टू डू सम बेसिक्स फिजिक्स की हमें NCERT कर लेनी चाहिए थी, बट बहुत कॉमन स्टैंडर्ड नॉलेज, इवन लाइक कोई साइंस फिक्शन जो मूवीज देखते हैं उनके अंदर भी ये स्टैंडर्ड नॉलेज में इंक्लूडेड होता है। आई एम होपिंग ये क्वेश्चन आप लोगों ने किया हो, जिसने ये किया हो उसको समझ लेना चाहिए कि वो अच्छे मार्क्स लेके आएगा, उसकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं 37 पर, नॉट ईजी। अगेन यहां पे साइंस एंड टेक में दे हैव स्टम्प्ड यू, नो डाउट्स अबाउट इट, बट अगेन अब यूपीएससी जैसे क्वेश्चन देता है उन पे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन ये 37, बॉलगार्ड 1 एंड बॉलगार्ड 2 टेक्नोलॉजीज आर मेंशन्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, यू सी नाउ यू आर गेटिंग द पैटर्न राइट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दे हियर अ टर्म एंड दे आर ओनली आस्किंग यू कि ये किससे एसोसिएटेड है, दे आर नॉट आस्किंग वेरी स्पेसिफिक टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जो सिलेबस में लिखा हुआ है, मतलब कि लेमैन को नॉलेज होनी चाहिए। सो द क्वेश्चन इज कि बॉलगार्ड 1 और बॉलगार्ड 2 अगर आपने न्यूज़पेपर में कभी पढ़ा है तो किसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था। अगेन दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, देयर इज नो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्ड हियर, आपको कंफ्यूजन इसके अंदर है तो आंसर नहीं कर पाएंगे। इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट इज एसोसिएटेड विद रिलेशन ऑफ डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स। जो BT कॉटन होती है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड GM क्रॉप होती है, उसके कॉन्टेक्स्ट में बॉलगार्ड 1 और बॉलगार्ड 2 टेक्नोलॉजी का नाम यूज किया जाता है।
इजी वन अगर पढ़ा हो तो ऑब्वियसली, बट अगर नहीं पढ़ा हो तो ये बिल्कुल एकदम पल्ले नहीं पड़ेगा एंड यू विल हैव टू क्विट दिस क्वेश्चन, आपको इसको छोड़ना पड़ेगा. नेक्स्ट कमिंग टू दी 39. नाउ दिस इज वेयर सम लॉजिक सेंसिबल एंड द बेसिक स्कूल नॉलेज, जो स्कूल में हमें थोड़ी थोड़ी सी नॉलेज लगी थी उसको यूज करके ये क्वेश्चन किया जा सकता था. टोटली कॉन्सेप्ट में बेस्ड है. देर आर एस्किंग यू कि बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरस, इन तीनों में से किसको आर्टिफिशियल या सिंथेटिक मीडियम में कल्चर किया जा सकता है. विच ऑफ इट कैन बी डन, कैन बी क्रिएटेड और कैन बी कल्चर्ड इन सिंथेटिक मीडियम. अब यहां पे सवाल सिर्फ ये लगाना था कि आपने अगर बचपन में आपको कहीं ये याद हो या कोई इंफॉर्मेशन आपको ये वाली याद हो कि वायरस कैन नॉट सस्टेन विदाउट द लिविंग होस्ट. कोरोना वायरस के कॉन्टेक्स्ट में बहुत न्यूज आई होगी कोरोना वायरस से रिलेटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं. इट्स डिफिकल्ट टू पिक दैट इन्फॉर्मेशन, पर ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बेसिक एनसीईआरटी हमारी स्कूल की नॉलेज से बेस्ड है. ओके, दिस इज नॉट रिलेटेड टू कोरोना वायरस और समथिंग, वायरस का नाम पढ़ के ये मत सोचिएगा. दिस इज रिलेटेड टू द बेसिक साइंस नॉलेज. 9th और 10th क्लास में हम जब बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन ओनली रिलेटेड टू वायरस जो जरूर बताई जाती है कि वायरस कैन नॉट सस्टेन विदाउट अ लिविंग होस्ट. तो लिविंग होस्ट के बिना वायरस को कल्चर नहीं किया जा सकता है. एंड दे आर टॉकिंग अबाउट द सिंथेटिक मीडियम. बैक्टीरिया एंड फंजाई, बोथ ऑफ देम कैन बी ग्रोन इन कल्चर्ड, कैन बी कल्चर्ड इन सिंथेटिक मीडियम. तो आंसर इसका होना चाहिए 1 and 2. इसका मतलब इसका आंसर हो गया है ए. ए इज द करेक्ट वन. 37th का बी है, 39th का ए है. कमिंग टू द 40th, I will tell you, but this is probably slightly difficult. इसमें कोई समस्या की बात नहीं है, थोड़ा सा question difficult होगा. दो virus पे 3 question आ चुके हैं, so coronavirus का exam के ऊपर असर definitely पड़ा है. Adenoviruses have single-stranded DNA genomes. Person which have a background of biology, उनको आसानी से पता होगा कि जो adenoviruses होते हैं वो double-stranded DNA genomes. से इन मतलब दे हैव डबल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम. तो जैसे ही ये फर्स्ट सेंटेंस आप पढ़ेंगे खत्म करेंगे, इफ यू हैव द नॉलेज अबाउट द एडिनो वायरस तो ये इमीडिएटली कट हो जाएगा. अगर नहीं है सो यू आर कंफ्यूज्ड, देन दैट मींस कि फिर ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो सकता है. सेकंड, कॉमन कोल्ड इज समटाइम्स डन मींस caused by adenovirus and AIDS is caused by a retrovirus, which is a very very basic, very very basic knowledge. So I am assuming कि number 2 आसानी से किया जा सकता था. एड्स रेट्रोवायरस कॉज करता है, नॉट अ कॉमन नॉलेज बट फिर भी जनरली पता होती है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको नहीं पता होता है लोगों को. द फर्स्ट वन डेफिनेटली वॉज स्लाइटली स्पेसिफिक कि एडिनोवायरस का जो डीएनए जीनोम है वो सिंगल स्टैंडर्ड नहीं डबल स्टैंडर्ड होता है. सो गोइंग बाय द नॉलेज फर्स्ट गलत है, सेकेंड गलत है. इसका आंसर है बी, द आंसर इज 2 ओनली वन स्टेटमेंट आउट ऑफ दिस इज करेक्ट. I am assuming at this moment, I am also feeling, आप लोगों को फील हो रहा होगा कि साइंस एंड टेक्स स्लाइटली सा ऑफ द मार्क आया, विच मीन्स ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने किया है या नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम होगी. इट विल ओनली मीन कि कट ऑफ कम जाएगा. लुक, जो क्वेश्चन किसी को भी नहीं आता है तो तुम्हें भी नहीं आता है तो सेफ है, राइट? दीज आर दी क्वेश्चन. देखो, इस क्वेश्चन को अगर आप नहीं कर पाए यू शैल बी वरीड. इसको नहीं कर पाए 40th को तो डोंट वरी अबाउट इट, इसको कोई भी नहीं कर पाएगा. उसी तरीके से अगर हम बात करें स्पीड ऑफ लाइट, इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए देन यू शुड वरी, क्योंकि इस क्वेश्चन को जो लॉजिक लगाएगा, जो बेसिक नॉलेज रखता है वो करेगा तो उसको सॉल्व कर देगा. पॉलीकार्बोनेट वाले को नहीं कर पाए, डोंट वरी अबाउट इट, अ लॉट ऑफ पीपल विल नॉट बी एबल टू डू इट. सो हमें उन क्वेश्चन पर फोकस करना है जिनको क्वेश्चन को मैक्सिमम लोग कर सकते हैं बेसिक नॉलेज से. अगर वो नहीं हो रहे हैं दैट इज अ प्रॉब्लम. अगर ऐसे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो नहीं हो रहे हैं सो नथिंग टू बी वरीड अबाउट. क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट. ऐसा मतलब कि जैसे हम ओडोमॉस का यूज करते हैं मॉस्किटो रेपेलेंट की तरह, देर इज समथिंग विच इज नोन एज ए नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट. अब इसके क्वेश्चन में कॉन्टेक्स्ट में मैं बोलता हूं, जो बच्चे जनरल नॉलेज में ध्यान रखते हैं, जिनको वियर्ड काइंड ऑफ फैक्ट्स एंड डेटा पता होता है, उनके लिए आसान रहेगा. लेमन ग्रास इज बेसिकली द आंसर. लेमन ग्रास एक ऐसी चीज होती है जिसको कई जगहों पर, कई ट्राइबल एरियाज में नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट की तरह यूज किया जाता है. अब How easy you were able to do it? अगर नहीं कर पाए थे, अगर बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था तो इमीडिएटली बाउंस हो गया होगा ये क्वेश्चन, इसको नहीं कर सकते थे. चलिए 72, बट लॉजिकली जिसने भी एनवायरनमेंट की किताब को जिंदगी में एक बार भी उठाकर पढ़ा है उसको लॉजिक के बेस पर इस क्वेश्चन को कर देना चाहिए था. क्यों? इन्होंने कहा है कि देर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, देर आर फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. इनमें से कौन कौन से प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं इन दी फूड चेन्स ऑफ दी ओशियंस. ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स मतलब कि जो कि सेल्फ खुद का फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे. अब इसमें सबसे ईजी
इस साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया खुद का फूड प्रोड्यूस करते हैं और कभी भी हम एनवायरनमेंट की बुक उठाते हैं, सो दिस इज द नेम यू हियर फर्स्ट टाइम, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया का नाम हमने डेफिनेटली सुना होता है, तो हम देखेंगे कि टू तो होना ही चाहिए हमारे आंसर में, तो हम सी और डी को डिलीट कर देते हैं, वी गॉट ए एंड बी, यानी कि वन और टू होना चाहिए या टू और थ्री होना चाहिए। अब यहां पर आपकी डिटेल्ड नॉलेज के ऊपर थोड़ा सा फोकस हो जाता है कि आपको कोपेपॉड्स या डायटम्स के बारे में पता है या नहीं पता है। इसमें से किसी एक के बारे में भी पता होना विल बी यू विल बी एबल टू गेट द आंसर फॉर इट। अगेन इसका आंसर है डायटम्स। डायटम्स और साइनोबैक्टीरिया दोनों के दोनों प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशियन की फूड चेन में। दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड और उसके बाद उसके फूड चेन के जो ऊपर वाले कंज्यूमर्स होते हैं वो उनको कंज्यूम कर सकते हैं। सो इजीली स्पीकिंग द आंसर शैल बी टू एंड थ्री। 72 का आंसर आया बी। कमिंग टू द नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल्स, दे हैव गिवन अ बाउंस, राइट, मतलब नो डाउट्स अबाउट इट। अब हम थोड़ा एनवायरमेंट की तरफ आ रहे हैं एंड इस प्रकार का क्वेश्चन अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द 73rd की नेचर को पढ़ना, क्योंकि दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन इन यूपीएससी एग्जाम। हर साल कभी स्पैरो से रिलेटेड, कभी बैट से रिलेटेड, कभी एवोल्यूशन से रिलेटेड एक बेसिक साइंस का क्वेश्चन होता है उनके पास, बेसिक वाइल्ड लाइफ का रिलेटेड, जो कि बुक्स में कभी भी नहीं पढ़ने को होता है। इट्स जस्ट वाइड जो क्यूरियोसिटी नॉलेज रखता है उसको हो सकता है। सो दे आर आस्किंग कि तीन एनिमल्स हैं, हेजहॉग, मार्मोट और पेंगोलिन। अब इनका एक डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है टू रिड्यूस द चांस ऑफ बीइंग कैप्चर्ड बाय प्रीडेटर्स। इनमें से कौन सा एनिमल रोल अप हो जाता है एंड प्रोटेक्ट इट्स वल्नरेबल पार्ट, राइट। अलग अलग प्रकार का तरीके होते हैं एनिमल्स को प्रीडेटर से बचने के लिए, कुछ कलर चेंज कर लेते हैं, कुछ पॉइजन फेंकने की कोशिश करते हैं, और ये एनिमल में से, इन तीनों में से कौन सा एनिमल है जो खुद में रोल अप हो जाता है ताकि जो एनिमल है, जो प्रीडेटर है, उसको पकड़ ना पाए। अगेन दिस वॉज समथिंग यू हैव टू हैव सम बेसिक नॉलेज एंड क्यूरियोसिटी अबाउट इट। अब पेंगोलिन इसमें से आइडेंटिफाई करना सबसे आसान है। आई डोंट हैव द पिक्चर्स राइट नाउ, बट अगर मैं आपको पिक्चर्स दिखाता या फिर अगर आप इस समय गूगल पर सर्च करके देखेंगे तीनों के तीनों एनिमल्स की पिक्चर्स को, तो इमेजेस में जब जाएंगे तो आपको दिखेगा कि पेंगोलिन और हेजहॉग ये दोनों की दोनों पिक्चर्स में एनिमल अपने आप को रोल किए होगा। मार्मट इज द ओनली एनिमल जो कि इसके अंदर रोल नहीं है। सो वन एंड थ्री, 73 का आंसर है डी, डी फॉर दिल्ली। इस प्रकार से अगेन डोंट वरी अबाउट इट, अगर ये नहीं आता है तो अगेन यू डू नॉट हैव टू वरी टू मच अबाउट इट, ठीक है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, आगे बात करेंगे कैसे आगे नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर कैसे करना है, इसके बारे में अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, लेकिन फॉर नाउ हम अभी की पर फोकस करते हैं, ठीक है। 74th पे क्वेश्चन डायरेक्ट एनवायरमेंट से क्वेश्चन है। एनवायरमेंट इज लाइक फेवरेट ऑफ यूपीएससी फ्रॉम लास्ट 4 to 5 years। अगेन इट इज फेवरेट, वो ये नहीं है कि वो स्प्रिंग सरप्राइज स्प्रिंग नहीं कर सकते हैं। हिस्ट्री को कोई देख नहीं रहा था 4-5 साल से, 18 से 20 क्वेश्चन आए हैं इस साल हिस्ट्री के, सो नथिंग कैन बी टोल्ड। बट यस, एनवायरनमेंट पे फोकस बहुत ज्यादा हो रहा है यूपीएससी का, होना भी चाहिए क्योंकि फॉरेस्ट वाले जो कट ऑफ है वो भी इसी पेपर से निकाली जाती है और फॉरेस्ट में एनवायरनमेंट का ही रोल है। अब वो इंटरनेशनल जो भी फॉरेस्ट के कॉन्क्लेव होते हैं, जो भी कोई अग्रीमेंट साइंस होते हैं, उन पे क्वेश्चंस आते रहते हैं और बहुत ही ऑब्सक्योर सा भी पकड़ लेते हैं। तो देखो, द न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेस्ट और उससे एसोसिएटेड 5 स्टेटमेंट दी हैं एंड देन देयर आस्किंग कि व्हिच ऑफ देम इज करेक्ट। इट इज वन ऑफ द मोस्ट, इट इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ द एग्जाम, क्योंकि अगर ये न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑफ द फॉरेस्ट अगर पढ़ी भी हो, 7 साल पहले आई थी, बहुत ही आर्बिटर, बहुत ज्यादा न्यूज में भी नहीं है, सो इसको करना बहुत मुश्किल था। मैं अभी आपको आंसर बताता हूं। यस, इट इज राइट, इट वाज फर्स्ट एंडोर्स्ड एट द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट समिट ऑफ 2014। इट इज ट्रू, इट एंडोर्सेस अ ग्लोबल टाइमलाइन टू एंड द लॉस ऑफ फॉरेस्ट। दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। अब यहां पर देखो, दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, मैं ये नहीं कह रहा कि ये लॉजिक लगाने से सॉल्व होगा या नहीं होगा, बट थिंक अबाउट इट, इट इज लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लेरेशन। अगर कोई एनवायरनमेंट की ऐसी डिक्लेरेशन है ना जो कि लीगली बाइंडिंग है, यू आर बाउंड टू नो अबाउट इट। देयर इज नो वे कि वो आपको पता ही ना हो, क्योंकि उसकी रोज डिस्कशन होगी, हर क्लास में उसकी डिस्कशन होगी उसके बारे में। लीगली बाइंडिंग एनवायरमेंटल की डिक्लेरेशन बहुत कम होती है। अब यहां पर अगर इस लॉजिक से लगाओगे तो यह क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 गलत है, इट इज नॉट लीगली, देयर आर रेयरली लीगली बाइंडिंग एनवायरमेंटल रेगुलेशन। तो इस लॉजिक पे लगाऊं तो मैं बी और सी को इमीजिएटली काट लिया, क्योंकि उन दोनों के अंदर 3 आता है। अब बचा हमारे पास 2 और 5, लेकिन फर्स्ट अगर सही है, अगेन दैट डिपेंड्स कि अगर आपको पता था कि 2014 में है तब तो आंसर ऑटोमेटिकली आ गया। 1, 2 and 4th, इट इज एंडोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट्स, बिग कंपनीज एंड द इंडिजीनियस कम्युनिटीज। हाँ, 5th अगर आपको नहीं पता है,
फर्स्ट सही है तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि फिफ्थ होना चाहिए, बट थर्ड इज द स्टेटमेंट विच कैन बी इमीडिएटली क्वेश्चन कि इट्स अ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लेरेशन और हम पहली बार सुन ही रहे हैं 10 अक्टूबर 2021 को, उस बेसिस पे इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। बट यस, इट वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, टेकिंग दैट चांस अंडर द एग्जाम प्रेशर मस्ट हैव बीन डिफिकल्ट एंड वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इजीली। कमिंग टू द 676, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिल्टर फीडर। अब फिल्टर फीडर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बेसिकली अपनी बॉडी में से वाटर को पास करते हैं और फिर उसमें से वाटर्स में से कुछ जो सस्पेंडेड फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नाउ इट इज ईजी टू आइडेंटिफाई कि पेलिकन तो नहीं होता है, पेलिकन इज अ बर्ड राइट, इट्स अ फुल फ्लेज्ड बर्ड होता है, वो फिश को पकड़ के खाता है, तो दैट इज डेफिनेटली नॉट है, वो तो सिंपल कार्निवोरस हो गया, उसके अंदर तो नहीं होगा। कंफ्यूजन अगर आपको आएगा तो कैटफिश, ऑक्टोपस और ऑयस्टर, क्योंकि इनके बारे में इंफॉर्मेशन कम है राइट। ऑयस्टर इज द आंसर हियर, ओके, आंसर इसका ऑयस्टर है। द फिल्टर फीडर वो होता है क्योंकि बेसिकली अगर आप देखेंगे तो कभी आपने देखा नहीं कि ऑयस्टर की प्रीडेटर हो और वो फूड को कहीं से पकड़ के खाता हो, दे आर लाइक मोर और लेस स्टीराइल स्टैटिक एंड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वाटर उनमें से पास करता रहता है तो उसके बेसिस पर ही वो अगर कुछ फूड पार्टिकल्स को उसमें कैच कर लेते हैं किसी स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म से एंड देन दे कैन फीड। ऑक्टोपस एंड कैटफिश विच आर लाइक ऑर्गेनिजम्स, हेल्दी ऑर्गेनिजम्स से मूव करते हैं, दे ऑक्टोपस इज ए प्रीडेटर, वो बेसिकली प्रीडेट भी करता है, तो उनका आना आसान नहीं था। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन इफ यू विल आस्क मी अकॉर्डिंग टू मी, इसको किया जा सकता था। इट वुड हैव बीन कंफ्यूजिंग अगर इसके अंदर ऑप्शन दे दिए जाते, तब तुम कंफ्यूज हो सकते थे कि मे बी नॉट, बट यस ऑयस्टर इज द इजियर आंसर, सो इसको आसानी से कर लेना चाहिए था। इन केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकल्स, अलग अलग बायोजियोकेमिकल साइकल्स होती है नाइट्रोजन की, सल्फर की, बड़ी सारी सी, द वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज द मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू एंटर द साइकल। नाउ दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, ओके, ये बेसिक एनसीईआरटी 11th क्लास का क्वेश्चन है जिसमें इजीली आप एक जजमेंट ले सकते हैं कि रॉक्स ऐसा कौन से मिनरल को कैप्चर करके रखती होंगी। अब रॉक्स को अगर कॉन्सेप्ट में देखें तो Which of the following are detrivores? Coming to the question number 78, detrivores. Detrivores कौन से organisms होते हैं? Detrivores are those organisms जो कि dead organisms के ऊपर feed करते हैं। Basic science है, ठीक है? Basic environment का है, तो it's easy, काफी आसानी से, सरलता से environment के बेस ऊपर based है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा logic अगर लगाएं, हल्का सा logic लगाएं, so there are odd men out, ठीक है? Jellyfish एंड दी सी हॉर्सेज, जो कि दोनों के दोनों ओशियन के अंदर पाए जाते हैं, दे आर दी ऑड मैन आउट। बट ऐसा नहीं है कि जो ओशियन के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डेट्री वोरस नहीं हो सकते हैं, बट जस्ट लाइक थिंकिंग लाउड कि क्या होंगे या नहीं होंगे। अब जेलीफिश और सी हॉर्सेज को आपने कभी अर्थवॉर्म जैसे एनवायरमेंट में नहीं फिगर आउट किया होगा, राइट? They don't seem to be similar organisms in any manner. Earthworms, millipedes and the wood lice. ये तीनों के तीनों similar kind of organisms हैं. They live into similar kind of environment. Just conceptually, just the thematic idea about it, right? And अभी for now, let's say कि jellyfish और seahorses भी हो सकता है ना, कि मतलब detrivores हो. But yes, if you think about immediately, वो earthworms के similar kind of environment में नहीं रहते हैं। अब इसका answer actually में 1, 3 और 5 है, ठीक है? 1, 3 and 5, jellyfish and sea horses will not be considered the detrivores. Earthworm, millipedes and the woodlice are basically the answer. Now, see, हर questions पे 100% knowledge होना जरूरी नहीं है, होती भी नहीं है, किसी की भी नहीं होती है। Last year हमारा UPSC की 45% जिसकी knowledge थी, 46% जिसकी knowledge थी general category की, वो उसकी cut off निकल गई थी। 75 number थे SC ST की जो cut off थी, जो last cut off थी वो 80-75 के करीब थी। तो यानी कि हमें 40-45% knowledge भी हो paper की तो भी हमारा paper निकल जाता है। इसी तरीके से हर एक question के अंदर भी similar kind of system हमेशा exist करेगा। You don't need to know each and everything, but you need to have a basic commonsensical logic जिसके basis पर आपको कई सारे से guesstimate करने पड़ते हैं question paper के अंदर। Coming to the next question, which is a straightforward, यहाँ पे कोई guesstimate available नहीं है। If you know the term, you have to know कि इसका meaning क्या है। Common carbon metric supported by the United Nations Environment Program has been developed for. So common carbon metric क्या होता है? अब इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ द बिल्डिंग ऑपरेशंस अराउंड द वर्ल्ड। इफ यू डिडंट नो इट,
देर वॉज नो लॉजिकल वे टू फिगर इट आउट. ठीक है, ये मालूम होना चाहिए था. अगर नहीं मालूम था तो देर इज नो लॉजिक, और कोई ऐसा बेसिक नॉलेज के बेसिस पर ये नहीं किया जा सकता था. इट वॉज असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स एस्टेब्लिश कर सकती है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ. अगेन बेसिक एनवायरनमेंट है. कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ. अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड है. निडेरियंस, फंजाई एंड प्रोटोजोआ, ऑल ऑफ दीज थ्री ऑर्गेनिजम्स कैन हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स विद डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. तो इन तीनों की होती हैं अलग अलग. अगर आप सर्च करेंगे तो तीनों अलग अलग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स में होते हैं किसी के साथ. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इज द वन जिसके अंदर दोनों के दोनों जो एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे होते हैं. सिम्बायोटिक होता है. सो इसका आंसर है डी. 80th का आंसर है डी. कमिंग बैक टू 86 R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस. लुकिंग एट द सेम पैटर्न विच यूपीएससी हैज फॉलोड इन साइंस एंड टेक, उन्होंने यही किया है कि दे हैव पिक्ड अप अ टर्म एंड दे हैव डायरेक्टली आस्क्ड यू कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, या किस चीज से एसोसिएटेड है. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं इस बार एक्चुअली में. सो नेक्स्ट ईयर यू हैव योर पाथ एब्सोल्युटली फिगर्ड आउट कि करना क्या है साइंस एंड टेक के अंदर. सो R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस constitutes a tool available for promoting the adoption of, well, the answer is basically environmentally responsible practices in electronics recycling industry. ये basic इसके अंदर सबसे पहले R2 code of practices के अंदर it is associated with the recycling of the electronics. ये straightforward था. There is no logic involved here. If you had the information, you could have this. जो question paper का जो मैंने pattern देखा है आज आपने जो देखा होगा, and there must be कुछ disappointment हुई होगी क्योंकि, and this is what the thing is that कि this is what it is always going to be, nothing to be worried about it. आप कुछ भी prepare करके गए थे और आपको वहां पे जाके immediately पता चला कि मैंने जो पिछले 6 महीने में पढ़ा था उससे तो कुछ आया नहीं, जो मैंने test series की थी उसका तो कुछ फायदा हुआ ही नहीं है. specifically when we look at the environment and the science and tech questions, पॉलिटी में हो सकता है कि कुछ, इकोनॉमी में हो सकता है कुछ बेनिफिट हुआ भी हो, बट द थिंग इज दैट दैट फीलिंग इज द नेचुरल. दिस इज व्हाट यूपीएससी डज एवरी ईयर. कट ऑफ पिछले साल की तरह ही जाएगा. पिछले साल से भी हो सकता है कम, हो सकता है बाउंस, हो सकते हैं बड़े सारे से क्वेश्चन. कोई नथिंग टू बी वरीड वाली सिचुएशन है इसमें. अभी एक्चुअली में इस समय इमीडिएटली स्पेकुलेशन पे मत जाना. गिव इट 2-3 days व्हेन ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ द गुड इंस्टीट्यूट्स विल कम अप विद सम काइंड ऑफ अ जजमेंटल वैल्यू कि क्या कट ऑफ होनी चाहिए थी. बट उससे पहले आप एक बार अपनी कट ऑफ लगाइए. इफ यू आर गेटिंग अराउंड समथिंग बियॉन्ड 90-95 इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जनरल कैटेगरी, यू आर वेल वे अबाउट द क्लियर. 95 से ऊपर है तो मेरे ख्याल से फिर जस्ट वेट, जस्ट टेक ब्रेक फॉर वन डे एंड यू शैल एक्चुअली स्टार्ट प्रिपेयरिंग. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, What is blue carbon? Again, the same thing. Environment और science and tech में दोनों ने उन्होंने term पकड़ा और आपसे definition पूछ लिया. The blue carbon क्या होता है? Straightforward answer है. Logic के basis पर नहीं होगा. पढ़ा है तो आता है. Carbon captured by oceans and the coastal ecosystem is called as the blue carbon. 89th का answer है A. Coming to the next 36th question है. पूछा गया है कि hereditary diseases. So it's a biology and technology question कि in the context of the hereditary diseases there are two statements which are given. कि पासिंग ऑन दी माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज, वो डिजीजेज जो कि माइटोकॉन्ड्रिया से पास होती है फ्रॉम द पेरेंट टू चाइल्ड कैन बी प्रिवेंटेड बाय माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी ईदर और बिफोर और आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग. ठीक है, एक हो गया. दूसरा, अ चाइल्ड इनहेरिट्स माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज एंटायरली फ्रॉम मदर एंड नॉट फ्रॉम फादर. द सेकेंड स्टेटमेंट किसी भी बायोलॉजी के स्टूडेंट को पता है. अगर आपके पास बायोलॉजी था तो यू शुड हैव नोन इट, और अगर बायोलॉजी था और नहीं पता है, नाउ दैट्स अ मिस्टेक. फॉर द नॉन साइंस स्टूडेंट्स दैट माइट बी प्रॉब्लम. बेसिकली दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है. माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी का मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया को रिप्लेस कर दिया क्योंकि वो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज, जो भी डिजीज माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से होती है. एंड दिस इज बेसिक बायोलॉजी इन्फॉर्मेशन कि माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ और सिर्फ मदर की तरफ से पास होता है. माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज एंटायरली मदर की तरफ से पास होती है. सो बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. साइंस वालों के लिए आसान था, नॉन साइंस बैकग्राउंड के लिए शैल बी डिफिकल्ट फॉर दिस वन. विद रेफरेंस टू द रीसेंट डेवलपमेंट्स रिगार्डिंग रिकॉम्बिनेंट वैक्टर वैक्सीन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ओके, अगेन चौथा क्वेश्चन रिलेटेड टू स्पेसिफिकली वायरस से, वैक्सीन से एसोसिएटेड, राइट. सो कोरोना वायरस का पूरा असर पड़ा है हमारे एग्जाम के ऊपर. जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन द डेवलपमेंट ऑफ दीज वैक्सीन, एक पर्टिकुलर टाइप की वैक्सीन से, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन. ठीक है, और उसके बाद पूछा गया है कि इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग लगती है. बैक्टीरिया और वायरसेस आर यूज्ड एज वेक्टर्स. इंटरेस्टिंगली द नेम डज नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन. नेम की वजह से पता है कि वेक्टर वैक्सीन है. सो वैक्सीन विच इज कैरीड बाय वेक्टर, वही सेकेंड में भी लिखा हुआ है.
जस्ट टू रिमूव द सरप्राइज, दोनों के दोनों करेक्ट है। यस, जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है और बैक्टीरिया को भी वेक्टर की तरह यूज किया जा सकता है और वायरस को भी बैक्टीरिया की तरह यूज किया जा सकता है। इसका आंसर भी सी है। कमिंग टू द नेक्स्ट 77, इन केस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोजियो केमिकल साइकिल्स द वेदरिंग ऑफ द रॉक्स इज द मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू एंटर द साइकिल्स। बेसिक एनसीईआरटी 11th ज्योग्राफी की नॉलेज, एवरीबॉडी शुड नो इट। जिसने नहीं किया है मतलब आप मतलब दिस वॉज अ बेसिक कॉन्सेप्चुअल, यूपीएससी विल एक्सपेक्ट यू टू डू इट। जिसने अच्छी तरह से प्रिपरेशन की है होपफुली आपने किया हो। ऐसा नहीं है कि अच्छी प्रिपरेशन करने के बाद गलत नहीं कर सकते हो, होता है, बट इट वॉज अ क्वेश्चन विच कुड हैव बीन डन। फॉस्फोरस बेसिकली जो होता है उसको रॉक कैप्चर कर सकते हैं। सो व्हेन वेदरिंग ऑफ द रॉक्स होती है फॉस्फोरस गेट्स रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट। सो फॉस्फोरस साइकिल को सबसे ज्यादा रॉक्स की वेदरिंग अफेक्ट करती है। इट्स अ सिंपल आंसर एंड आई होप आप लोगों ने काफी ज्यादा सही किया हो। बेसिक नॉलेज है ये 11th क्लास की एनसी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में, फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कमिंग टू दी ओके, दीज टू आर टोटली डिफिकल्ट टू आंसर, तो इसमें मुश्किल होगा और कितनों ने सही किया है वो जानना थोड़ा सा मुश्किल है। विद रेफरेंस टू द फर्नेंस ऑयल, और तीन स्टेटमेंट दे दिए। एक तो स्टेटमेंट वाले वैसे ही डिफिकल्ट होते हैं और ऊपर से कोई ऐसी चीज आ जाए तो वो और ज्यादा प्रॉब्लम कर देती है। फर्नेंस ऑयल से तीन स्टेटमेंट, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज, कुछ इंडस्ट्रीज इसको यूज करती है जनरेट पावर करने के लिए, इट कॉजेज सल्फर एमिशंस इन टू द एनवायरमेंट। फर्नेंस ऑयल को फ्यूल ऑयल भी कहते हैं। अगर आपको ये सिनोनिम पता था तो थोड़ा सा आसान रह सकता था आपके लिए करना। इसका आंसर है तीनों की तीनों स्टेटमेंट, ऑल दीज थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्नेंस ऑयल्स इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज, कई जगहों पर इसको कुछ पावर जनरेट करने के लिए भी यूज करते हैं एंड इट कॉजेज अ लॉट ऑफ सल्फर एमिशंस, मतलब हद से ज्यादा बियॉन्ड सल्फर एमिशंस। एक वन गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे इससे हर साल एटलीस्ट 40,000 डेथ होती थी बिकॉज इट वॉज एमिटिंग सो मच सल्फर। और यूजुअली जो शिप्स जो होती है उनको फ्यूल करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। 87th, व्हाई इज देयर कंसर्न अबाउट द कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स। अच्छा, ये क्वेश्चन है जहां पे अगर डिफिकल्टी अगर आपको लग रही है बट इफ यू वुड हैव केप्ट काम तो एक जजमेंट कॉल लिया जा सकता था। इट्स नॉट कि आप करेक्ट कर सकते थे बट यस देयर वाज अ पॉसिबल टू टेक द जजमेंट कॉल। रीड द फर्स्ट स्टेटमेंट वेरी केयरफुली, दे मे रिलीज लीथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोक्साइड इनटू एनवायरनमेंट। एनी काइंड ऑफ अ थिंग जो कि कार्बन मोनोक्साइड से डेथ हो जाती है इमीडिएटली, ओके, सांस रुक जाती है, पता ही नहीं चलता है और घुटन की वजह से मौत हो जाती है। सो एनी प्लांट जो कि लीथल, लीथल लिख दिया उन्होंने, वर्ड यहां पर की वर्ड था लीथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोक्साइड अगर रिलीज कर रहा है तो वो प्लांट मतलब एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है बिकॉज इट विल किल, इट विल डेफिनेट, ये पर डे के हिसाब से किसी न किसी को मारेगा। इट वुड बी अ हेल्थ हैजार्ड, इट वुड बी अ इंडस्ट्री डिजास्टर। सो यू कुड हैव क्वेश्चन द फर्स्ट स्टेटमेंट। दोनों स्टेटमेंट अगर नहीं पता थी, ये दोनों सही है, दे ऑल आर राइट, ठीक है, दोनों की दोनों राइट है, आंसर बेसिकली 2 और 3 है। बट अगर आप एक जजमेंट कॉल लेते और फर्स्ट पे क्वेश्चन कर लेते तो क्वेश्चन में ये है कि फर्स्ट स्टेटमेंट अगर गलत ले ली तो आंसर ऑटोमेटिकली आ रहा था। नॉट दैट इट वॉज ईजी बट इफ आई वुड हैव बीन गिविंग द एग्जाम आई वुड हैव टेकन दिस जजमेंट कॉल। इसके साथ साथ ये आपके एनवायरनमेंट से एसोसिएटेड और पॉलिटी से एसोसिएटेड ये सारे के सारे, सॉरी एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एसोसिएटेड बेसिक आपके 25 के करीब जो है मैंने क्वेश्चन अभी आपके पास कराए हैं। इट विल बी कमिंग आपके पास, हम अब दूसरी की लेकर आ रहे हैं। आई विल शेयर द कंप्लीट की, मैं इस टेलीग्राम चैनल पर t.me/amitkilhor इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 की कंप्लीट की शेयर करने वाला हूं। तो प्लीज अगर आपको की की जरूरत है तो आप इसके साथ शेयर कर ले। आप इस की को यूज करके ये सेट सी ऑफ 2021 प्रीलिम्स पेपर 1 GS का जो 1 होता है पेपर 1 ये उसकी की है, ओके? तो इसको आप यूज कर सकते हो। इसमें जो जो क्वेश्चंस मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं उनके सारे के सारे आंसर्स लिखे हुए हैं इजीली, ताकि आपको पूरे के पूरे वीडियो के थ्रू ना जाना पड़े। आप इसको कर लीजिए, कंफर्म्ड है, इसमें से किसी में कोई डाउट नहीं है। अगर हल्का सा कोई चेंज होता है तो मैं इसी टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपके साथ इसमें चेंज कर दूंगा। हाउ मच मार्क्स यू आर स्कोरिंग, आपने मार्क्स लगाए हैं तो आप मुझे जरूर मेरे किसी न किसी सोशल मीडिया पर, अगर आपको कोई और डाउट्स है, क्वेश्चंस यू आर कमिंग अप विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस में डाउट आएगा, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स अलग अलग की अलग अलग आंसर्स बताएंगे, तो मुझे मेरे सोशल मीडिया पर आप जरूर मैसेज कीजिए उसको जानने के लिए। आई विल ट्राई टू इंश्योर कि मैं उन डाउट्स को थोड़ा क्लियर कर सकूं। आने वाले दिनों में वील कीप द डिस्कशन अलाइव। फॉर नाउ दिस इज दी की ऑफ दिस 25 क्वेश्चंस ऑफ साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट, मैं इस टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर करता हूं। बियॉन्ड दैट इसके अलावा वील कीप यू अपडेटिंग अबाउट द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस।
अंकित सर आपके लिए इकोनॉमी और आईआर लेकर आ रहे हैं, कपिल सर बेसिकली आपके लिए पॉलिटी के ले आ रहे हैं, राहुल सर आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री के लिए अभी आपको अपडेट कर देंगे। तो आप सारी की सारी अपनी की लगाइए। क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट था, लेट मी गारंटी यू दैट, फर्स्ट जजमेंट में आसान भी लगे। देयर वाज अ सरप्राइज, हिस्ट्री का जो सेक्शन था इट वाज इंक्रीज्ड लाइक एक्सपोनेंशियली, 5 क्वेश्चन आए करते थे, 20 हो गए हैं। सो देयर विल बी सम चेंजेस, डोंट वरी अबाउट इट, कट ऑफ कम ही जाने वाली है, पिछले साल वाले ही हालात है, चिंता मत कीजिए। बाकी लेट्स नॉट रन इन टू थिंग्स, जो स्पेकुलेशन है उनके लिए हमारे पास पूरा हफ्ता पड़ा हुआ है। फॉर नाउ पहले आप अपनी की लगाइए एंड देन मेंशन मी, मैसेज मी आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। हैव अ नाइस डे।